हालात बचपन के तो बहुत क्रिटिकल रहे इतने क्रिटिकल थे कि पढ़ाई के लिए भी मतलब सोचना पड़ता था कि फ़ीस जमा कैसे करानी है तो बचपन में फैक्ट्रियों के अंदर हमने हम मजदूरी करते थे तो ये संगठन ही है भारतीय जनता पार्टी का जो एक गरीब से साधारण से बच्चे को तैयार भी करता है उसको निखारता भी है नहीं तो न जाने हमारे जैसे कितने लोग कई बार तो ऐसा समय था कि मेरे पास फ़ीस जमा करने के पैसे नहीं होते थे स्कूल के अंदर तो समाज के जो मेरे दोस्त थे या मेरे मित्र थे वो मेरी फीस जमा करा दिया करते थे कुछ साथी मेरे जो कपड़े लेके दे दिया करते थे भारतीय जनता पार्टी ने अपने पदाधिकारियों की एक लिस्ट जारी कर दी है उस लिस्ट में एक ऐसा नाम है जो ज़मीन से लेकर आज एक सर्वोच्च पद पर पहुंचा है पानीपत में जिला अध्यक्ष उसे नियुक्त किया गया है उनका नाम है दुष्यंत भट्ट जो कभी एक साधारण कार्यकर्ता हुआ करते थे एक परिवासी परिवार का लड़का पानीपत पहुंचता है उसकी कहानी कैसी है हमारे साथ दुष्यंत भट्ट जी है भट्ट साहब सब सबसे पहले आपका स्वागत है जी धन्यवाद जी आपका बहुत बहुत और शुरुआत कैसे हुई भट्ट साहब आपकी जब मैं बारहवीं क्लास में था तो स्वदेशी जागरण मंच एक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का संगठन है तो उसके नाते हमारे जो पूर्व गृह राज्य मंत्री थे आई डी स्वामी जी उनके बेटे सूर्य स्वामी थे मैंने उनका भाषण पहली बार सुना तो मैं उनसे प्रभावित बहुत हुआ प्रभावित होने के बाद फिर मैं उनके संपर्क में आया उनके संपर्क में आने के बाद मैं संघ के संपर्क में आया संघ के संपर्क में आने के बाद बस फिर तो संगठन के कामों में लगा ही रहा और संघ में रहा विद्यार्थी परिषद में रहा फिर भारतीय जनता पार्टी के अंदर मंडल अध्यक्ष बना फिर जिले में सचिव बना उसके बाद श्रमिक प्रकोष्ठ का आ, स्टेट का मीडिया का इंच, इंचार्ज रहा उसके बाद मानव अधिकार प्रकोष्ठ में जिला संयोजक रहा दो बार जिले का उपाध्यक्ष रहा ये मेरा भट्ट साहब आपके परिवार के बारे में जानना चाहेंगे आप कहाँ से बिलोंग करते हैं बेसिकली आप कहाँ से आपका परिवार किस तरह का था और आप लोग पानीपत कैसे पहुँचे फिर शुरुआत तो, शुरुआती दिन थे जो आपके वो कैसे रहे आपके परिवार के आपके फ़ादर क्या करते थे सुना है कि आपने शुरुआत में काफ़ी स्ट्रगल किया मज़दूरी तक की देखो चूँकि हम बहुत गरीब परिवार से थे मतलब इतने गरीब थे कि एक वक्त खाना बनता था और मतलब हम बहुत ही ज़्यादा मतलब जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते मेरे पिताजी सेवेंटी फाइव में पानीपत आए थे कहाँ? आ, उत्तर प्रदेश के ज़िला मुजफ्फरनगर से हम पानीपत में प्रवा आ, आके वो फैक्ट्री के अंदर काम करने लगे थे फिर मैं पहाँ मेरा बोर्न पानीपत का ही है मेरे सेवेंटी एट में मतलब ईदगाह कॉलोनी में जो आज ईदगाह कॉलोनी है जहाँ हालात बचपन के तो बहुत क्रिटिकल रहे आ, इतने क्रिटिकल थे कि पढ़ाई के लिए भी मतलब सोचना पड़ता था कि फ़ीस जमा कैसे करानी है तो बचपन में फैक्ट्रियों के अंदर हमने हम मजदूरी करते थे और दिन में अपना पढ़ाई स्टडी कर रहा तो ऐसे कर कर के प्रक्रिया चलती रही उसके बाद जब मैं इलेवंथ क्लास में आया तो इलेवंथ के बच्चों को ही मैं ट्यूशन पढ़ाने लगा था और फिर बारहवीं क्लास में मैंने आपको बताया मैं स्वदेशी जागरण मंच के संपर्क में आया उसके बाद मैं संगठन से जुड़ा तो ये संगठन ही है भारतीय जनता पार्टी का जो एक गरीब से साधारण से बच्चे को तैयार भी करता है उसको निखारता भी है नहीं तो मैं जाने हमारे जैसे कितने लोग आज हैं आज यदि आप मेरे पास बैठे हैं या समाज के लोग आज मुझे स्वीकार कर रहे हैं तो ये संगठन ही तो है इस संगठन ने ही मुझे अंदर संस्कार दिए इस संगठन ने ही मुझे आगे बढ़ाया इस संगठन ने ही और समाज ने आप यकीन मानिए कई बार तो ऐसा समय था कि मेरे पास फ़ीस जमा करने के पैसे नहीं होते थे स्कूल के अंदर तो समाज के जो मेरे दोस्त थे या मेरे मित्र थे वो मेरी फ़ीस जमा करा दिया करते थे कुछ साथी मेरे जो कपड़े लेके दे दिया करते थे तो आज जब मैं उसको याद करता हूँ तो उसमें भगवान का धन्यवाद करता हूँ कि हे परमात्मा आपने मुझे इस संगठन के संपर्क में लाकर मेरे पर जो ऋण दिया है वो ऋण मैं किस प्रकार से उतार पाऊँगा मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कभी सोचा था आपने कि आप डिप्टी सीनियर मेयर भी बनेंगे पार्षद भी और फिर आज एक ऐसे पद पर जिला अध्यक्ष नहीं कभी कल्पना भी नहीं कर सकती एक मजदूर मैं कह रहा हूँ कि एक निम्न स्तर मतलब जो हम पढ़ते हैं अंतिम से अंतिम लाइन में खड़े हुए व्यक्ति का उत्थान मतलब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना था कि अंतिम से अंतिम पंक्ति में खड़े रहने वाले व्यक्ति के बारे में चिंता करना मैं तो अंतिम से अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति था कब सोचा ये कि मुझे राजनीति में आना है पहली बार कभी नहीं कभी कल्पना नहीं करी मैं राजनीति में कभी मेरा ये नहीं था कि मैं राजनीति में हूँ मैं संगठन का, का काम कर रहा था और संगठन का काम करते 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 जब मुझे ये कहा कि भी आपने 2013 का पार्षद का चुनाव है तो मुझे पार्षद का चुनाव लड़ाया संगठन ने लड़ाया और मैं पार्षद का चुनाव लड़ा फिर उसके बाद मेयर का चुनाव लड़ाया फिर बाय चांस एक्सीडेंट हुआ कि मैं मेयर नहीं बन पाया उसके बाद फिर हमने वही स्ट्रगल जारी रखा और फिर जब दोबारा चुनाव लड़ाया फिर दो में फिर मुझे सीनियर डिप्टी मेयर बनाया उन्नीस जनवरी दो को फिर आज मुझे भारतीय जनता पार्टी ने इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है मतलब ये कल्पना से परे है कोई आदमी ये महसूस भी नहीं कर सकता कि जो मतलब जिस जिन परिस्थितियों को से मैं निकला हूँ जिन परिस्थितियों में मैं जिया हूँ कि अगर यदि संगठन ना होता तो शायद आज मैं भी कहीं मतलब खड़ा ना हो पाता और वही मैं काम कर रहा होता जो आज वो इसीलिए मेरे मन के अंदर दर्द है मन के अंदर पीड़ा के हम सामाजिक लोग हैं समाज का उत्थान करें आप संघ में आए पार्टी में आप शामिल हुए आ, क्या सोचा था उस वक्त कैरियर सोचा था इसमें या फिर सेवा सोची क्या क्या सोच के आए थे नहीं सिर्फ सेवा क्योंकि संगठन हमें सेवा भाव ही सिखाता है संगठन हमें यही सिखाता है कि निस्वार्थ भाव से आप कर्म करो अगर आज गीता का हम अध्ययन करते हैं और आज गीता जयंती के उत्सव मन रहे हैं तो गीता में जो लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेशु कदाचन वो ऐसे ही नहीं लिखा सिर्फ कर्म करो बहुत तो 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 सारी पार्टियाँ वंशवाद का आरोप उन पर लगते रहते हैं आप अपनी पार्टी के बारे में क्या कहेंगे क्योंकि एक प्रवासी लड़का प्रवासी परिवार का एक लड़का और आज एक बड़े पद पर है देखो दूसरी पार्टियों के अंदर तो क्या बापू पेटा एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड है वो तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम करती हैं भारतीय जनता पार्टी ही ऐसा सोच सकती है कि आप ये कल्पना करो ना इस धनाढ़ जितने इंडस्ट्रीज से है, इस शहर के अंदर एक अंतिम से अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को आप इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो ये कोई छोटी चीज़ नहीं है ये ऐसे एग्जाम्पल ऐसे उदाहरण सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के मिल स, अंदर है। जारी हुई कि आपको अनुमान था इससे पहले कि आपको ये पद जिम्मेदारी दे दी जा सकती मुझे बिल्कुल कोई अनुमान नहीं था।, था।, था मुझे बिल्कुल कोई अनुमान नहीं था जब मैं सीनियर डिप्टी मेयर बना तब मुझे कोई अनुमान नहीं था उस दिन मेरी शादी की शालगिरा थी मैंने अपनी मिसिस को ये कहा था कि आज हमारी शादी की सालगिर है आज इलेक्शन है और संगठन ने जिसको तय कर रखो मैं भी खुद उसको वोट डाल के आएंगे और हम घूम के आएंगे जब मैं वहाँ गया तो मुझे वहीं पता चला कि मैं सीनियर डिप्टी मेयर बन रहा हूँ कल भी मतलब ये मैं मुझे घोषणा होने से पहले बिल्कुल नहीं पता था मुझे एक मेरे मित्र का फ़ोन आया कि दुष्यंत जी आपका नाम लिस्ट में आ रहा है जिला अध्यक्ष के इसमें मैं हंस पड़ा मेरा कौन सी लिस्ट देख ली आपने कि जी मैं भेज रहा हूँ आपको जब मुझे पता लगा कि मैं जिला अध्यक्ष बनाऊँ पार्टी के हज़ारों करोड़ कार्यकर्ता उनको क्या कहना चाहोगे जो दिन रात काम करते हैं और आगे आपका क्या मकसद रहेगा पार्टी ने जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है उसको निभाना और पार्टी ने जो मतलब जिस जो सोच के मेरे पे दायित्व दिया है पार्टी को गर्व होगा मुझ पर मैं यही पार्टी को भरोसा देता हूँ और अपने साथी सभी कार्यकर्ताओं को जो भी हम सभी कार्यकर्ता हैं जिम्मेवारियाँ बदलती रहती हैं आती रहती हैं जाती रहती हैं लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता हैं और हम चुनावी मोड़ में हैं और ये इलेक्शन ईयर है नव दो पूरा का पूरा इलेक्शन ईयर है और हम सब मिलकर दोबारा से मतलब देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रहे हैं हम हरियाणा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रहे हैं हम दोबारा फिर नगर निगम के अंदर सभी वार्डों को जीत मेयर बनाने जा रहे हैं जी शुक्रिया सर तो हमारे साथ थे दुष्यंत भट्ट जो जिलाध्यक्ष चुने गए हैं इन्होंने बेभाविकी से अपनी बात रखी और बताया कि एक साधारण सा कार्यकर्ता सिर्फ यही बीजेपी की पार्टी है जो एक साधारण से कार्यकर्ता को सर्वोच्च पद पर बिठा सकती है अपने सहयोगी धर्मेंद्र के साथ प्रदीप रेड्डू हरियाणा तक